कांग्रेस के खातों को फ्रिज करने पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लगाया तानाशाही का आरोप। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। शहर एवं ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन आकाशवाणी स्थित इनकम टैक्स कार्यालय के सामने किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू, छाया वर्मा, अनीता शर्मा, गिरीश दुबे, उधुराम वर्मा, एजाज ढेबर सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जबकि लोकतंत्र में भारत की सबसे बड़ी पार्टी और आर्थिक लेनदेन में जब कोई डिफॉल्ट करता है या लेनदेन बंद कर देता है तब उसका खाता फ्रीज किया जाता है। इनकम टैक्स कार्यालय तत्काल कार्रवाई कर रहा है, त्वरित कार्रवाई कर रहा है। किसके इशारे पर कर रहा है? इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज कर एंड लोकसभा चुनाव के पहले किसी के इशारे पे ये किया जा रहा है, तानाशाही का रवैया है और सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। आज तक किसी भी पार्टी का खाता फ्रीज नहीं किया गया जिससे कि उसे आर्थिक लेनदेन में कोई दिक्कत आए। ये विषय सीधा सीधा लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जिससे कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल कम हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिग्भ्रमित किया जा सके, कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित किया जा सके और मनोबल कम करके लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, और जगह है कितनी जेल में तेरे, और जगह है कितनी जेल में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.